वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 10th November 2022, और आज के वीडियो में हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो यहां पर आपने जिस तरीके से थंबनेल देखा है वो डिस्कस करेंगे। अभी बंदरों को भी भेजा जाएगा स्पेस के अंदर, एंड रिप्रोडक्शन टेस्ट करेगा चाइना, और क्या है ये पाश्मीना शॉल उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप बने रहिए लास्ट तक। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज यश कुमार संपत। By profession, I am an engineer, and by passion, I am an educator. I have 6 years teaching experience over here. So, चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। If you want to follow me in this kind of the particular social media platform, so you can just follow me in the Facebook, in the YouTube, and in the Instagram also. So, let us start with the first slide. तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको एक question पूछा था। यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इट स्टैंड्स फॉर द EWS। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर ऑफ द बुक ई के जानकी अमल, लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। तो यहां पर उसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसका सही आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो यहां पर आप लोगों ने जिस तरीके से थंबनेल देखा था दोस्तों, वो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है चाइना जो एक प्लान बना रहा है कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है या रिप्रोडक्शन टेस्ट जो है, तो यहां पर वो अवेलेबल हो सकता है। यहां पर प्रजनन की जो प्रक्रिया है क्या स्पेस के अंदर पॉसिबल है या नहीं, तो यहां पर उसके हिसाब से मंकी को ऊपर भेजा जा रहा है। तो उसके हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं, और थंबनेल में आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि यहां पर जो बस्तियां अगर जाकर बसेगी, जो पॉपुलेशन होगी, तो पॉपुलेशन बच सकेगी, और पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी तो ही यहां पर जो है लाइफ साइकिल आगे चल सकती है। ठीक है, तो इस टेस्ट का यही एक मुख्य उद्देश्य है कि यहां पर पता चल सके कि आगे जाकर वहां पर पॉपुलेशन बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो यहां पर उसके हिसाब से मंकी को लिया गया है और उसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आज की जो डेट है वो 10th November, एंड दैट इज अबाउट द थर्सडे। ओके, तो यहां पर जो पहला आर्टिकल निकल कर आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सेंटर्स डिवाइसेस अ न्यू गाइडलाइन फॉर टीवी चैनल्स ओवर हियर, इज इट क्लियर? सो रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्ट ऑफ सोशल रिलेवेंट टॉपिक्स कंपलसरी। तो यहां पर यूनियन कैबिनेट ने यहां पर एक अप्रूव किया है, यही गाइडलाइंस को अप्रूव किया है, और वहां पर कहा गया है कि जो भी टीवी चैनल्स है उसके अंदर आप लोगों को 30 मिनट्स जो है कंपलसरी एक चैनल चलानी है जो यहां पर सोशल इश्यूज को दिखा सके, यहां पर जो अवेयरनेस बढ़ा सके उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। इज इट क्लियर? सो सोशल रिलेवेंस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, उसके बारे में यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा। और ये जो चीजें चलाई जाएगी वो किसके लिए चलाई जाएगी, क्योंकि यहां पर एक अवेयरनेस बढ़ सके, अवेयरनेस को एनहांस कर सके हम पब्लिक के अंदर। और यहां पर टीवी चैनल्स जो है ये एक एयरवेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता है, सो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। सो उस पब्लिक प्रॉपर्टी का हमें कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, और उसके अंदर हमें एक बेस्ट इंटरेस्ट मिले सोसाइटी के तौर पर, उसके लिए यहां पर हम लोग टीवी चैनल्स का यूज कर पाए। इसके लिए यहां पर कहा गया है कि 30 मिनट्स जो है उसके अंदर यहां पर हम लोग दिखाएंगे हर रोज, इज इट क्लियर? जिसके अंदर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात की जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, वुमन के वेलफेयर की बात की जाएगी, एंड वेलफेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के हिसाब से और हमें जो एनवायरमेंट को बैलेंस करना है उसको भी यहां पर डिनोट किया जाएगा, इज इट क्लियर? तो यहां पर एक अच्छी सी मुहिम चलाई जा रहेगी, और ये एक काफी हद तक अच्छा यहां पर इनिशिएटिव आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। सो इट्स अबाउट द यस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जजमेंट एंड द शैडो ऑफ द पैंडोरा। ठीक है, तो यहां पर जो शशि थरूर साहब जो है यहां पर आप देख सकते हैं
उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है तो है क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो जॉब्स और एडमिशन के अंदर, यहाँ पर एजुकेशनल एडमिशन के अंदर बताया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5 जज की एक कमिटी बिठाई गई थी, जिसके अंदर 3 जज जो है ये ईडब्ल्यूएस के अंदर सहमत थे और बाकी के 2 जज जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर सहमत नहीं थे, ठीक है। पहले चीज समझ लेते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन है तो है क्या, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी हुआ था उसके अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को यहां पर 10% रिजर्वेशन देने की यहां पर बातचीत की गई थी, ठीक है। और किसके अंदर, यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जब भी एडमिशन होते हैं उसके अंदर यहां पर बातचीत किया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। तो व्हाट इज ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है। सो अ 5-judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऑल अबाउट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इट्स एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स ओवर हियर। तो उसके बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे आगे जाकर। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक जो कास्ट कैटेगरी है उसकी रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो ST जो है उसको 7.5% रिजर्वेशन मिल चुका है। SC कैटेगरी के लोगों को यहां पर 15% के रिजर्वेशन की यहां पर बातचीत की गई है पहले से ही, और OBC के जो यहां पर कैटेगरीज है, ठीक है, उसमें 27% की रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। अगर तीनों का टोटल करें तो ऑलमोस्ट 49.5% के ऑलमोस्ट यानी कि 50% जो है रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है। तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफी हद तक वीकर माने जा सकते हैं। तो ये जो जनरल कैटेगरी से जो लोग आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो वीकर है, ठीक है, जो अपने प्रॉपर स्लैब के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, यहां पर जो इकोनॉमिकल प्रायोरिटाइजेशन के अंदर नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर इसको डिनोट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर 10% देने की उनको बात की गई है। पर हम लोगों ने कल के लेक्चर में ही एक चीज डिस्कस की थी, जब ईडब्ल्यूएस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिजर्वेशन जो है अल्टीमेटली 50% के अंदर ही होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो ये अगर आप इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो 49.5% के करीब करीब यहां पर 50% तो हो ही जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% अगर देंगे तो ये तो 60% के करीब हो जाएगा। तो ये जो चीज थी यही यहां पर एक इश्यू बनकर आया था, ठीक है। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कोटा है तो एक्चुअली है तो है क्या। सो 2019 के अंदर यहां पर एक 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। सो दैट इज कॉल्ड द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओवर ईयर। सो दैट इज अबाउट द 10% रिजर्वेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा। ओके, यहां पर जो अमेंडमेंट हुआ था वो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर हुआ था, और उसके अंदर कुछ क्लोज जो है उसको एड किया गया था रिगार्डिंग द आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 6 एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लोज 6। इज इट क्लियर? सो इट इज फॉर इकोनॉमिकली रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन in this particular educational institutions for economically weaker section, it stands for the EWS, ठीक है। यहां पर ये काम जो करेगा, ये कहां क्या क्या काम करेगा, तो यहां पर एक चीज कही गई है रिजर्वेशन के बारे में ही, ठीक है। By the 50% of the reservation policy, यहाँ पर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस को, SC BC को भी रिजर्वेशन हम लोगों ने दिया है। तो ऑलमोस्ट उसकी अगर गिनती करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 49.5% के करीब करीब आपको मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% के करीब करीब रिजर्वेशन तो हो ही रहा है एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और 10% के रिजर्वेशन से देते हैं तो यहाँ पर 60% बन जाएगा, ठीक है। तो यही एक इश्यू था। सो इट एनेबल्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अभी ये रिजर्वेशन अगर मिल जाता है 10% का तो यहां पर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं।
ठीक है. सो एड्रेस इज द इनइक्वालिटी. ओके, द 10% कोटा इज प्रोग्रेसिव. इज इट क्लियर? सो 10% कोटा इज प्रोग्रेसिव एंड कुड एड्रेस द इश्यूज ऑफ द एजुकेशनल एंड इनकम इक्वालिटी इन द इंडिया. तो यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है हैव रिमेंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर अटेंडिंग द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अगर यहां पर पहले जो इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको जो एडमिशन मिल पा सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, तो वो उसे बिछड़ जाते. यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी हो सकती थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई इस पॉइंट्स के अंदर. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दैट इज अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ओके, सो रिकॉग्निशन ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स का एक्चुअली मतलब क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारे से पीपल है, बहुत सारे से क्लासेस है जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, और आज भी यहाँ पर हंगर इंडेक्स, हंगर या पॉवर्टी कंडीशंस के अंदर ही रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि आप जो है अपनी जो लाइफ साइकिल है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा बढ़ाने में काम कीजिए, और उसको मोटिवेट भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है. रिडक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो यहां पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, अगर यहां ये रिजर्वेशन आने आ जाएगा तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो नहीं होगा. क्यों? यहां पर जानते हैं कि ग्रेजुअली यहां पर इस तरीके की चीजें जो है घटने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन. ये जो एक हिस्टोरिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन जो है हिस्टोरिकली बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को समझना रहेगा कि यहां पर जो जिन जिन को यहाँ पर एक चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, उसके बाद यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल सकेगा. इज इट क्लियर? सो अपर कास्ट लुक्स डाउन अपॉन दोज हु कम थ्रू दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन. उसके बारे में ये भी यहाँ पर बातचीत किया गया है. ओके, आगे बात करते हैं कि एक्चुअली वर्डिक्ट है तो है क्या. तो मेजोरिटी का व्यू क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज कैन नॉट बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, हम लोगों ने सीखा था कुछ भी करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करो. इज इट क्लियर? तो यहां पर मेजॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है भारत के संविधान का हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्ट है, अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये उसको ब्रीच नहीं कर सकता है. सो कैन नॉट बी सेड टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है. ईडब्ल्यूएस कोटा जो है यहां पर उसके बारे में बात करूं, सो डज नॉट violate the equality and the basic structure. ठीक है, EWS कोटा जो है यहाँ पर इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट नहीं कर सकता है. ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. ठीक है, तो रिजर्वेशन जो है इन उसके एडिशन में यहाँ पर एक ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ वायलेट प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन एक्चुअली है तो है क्या. सो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर द इंक्लूजिंग ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, तो यहां पर उसकी एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर उसको इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है. और ये चीजें किसके थ्रू की गई है, किसके द्वारा की गई है, बाय द स्टेट ऑफ फॉर द इंक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर सारी की सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से मिल पाए, इसके लिए यहां पर रिजर्वेशन जो है उसको लाया गया है. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक टूल के तौर पर देखते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसको देखते हैं. ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ब्रीच, तो यहां पर उसके रिगार्डिंग जो है हमें कुछ प्रोविजंस बनाने होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एजुकेशनल पर्पस. ओके, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई. साथ ही साथ यहां पर जो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जो एक इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर आता है, सो नॉट जस्ट फॉर द इंक्लूजिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, यहां पर जिन जिन लोग जिस जिस क्लासेस को यहां पर इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको यहां पर चीजें मिले, बट इन टू द सोसाइटी, बट ऑल्सो टू क्लास सो डिसएडवांटेज्ड. ओके, उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है. यहां पर अगर मैं बात करूं
कि रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कोटा का, ठीक है, सो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओके, तो डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट ऑफ 50% सेलिंग लिमिट, ओके, सेलिंग लिमिट फिक्स बाय द मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन ने जो 50% सेलिंग का लिमिट जो है वो फिक्स की है, उसके हिसाब से अगर कहे तो सेलिंग लिमिट दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल ओवर हियर, ठीक है। तो यहां पर जो 50% रूल फॉर्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये किसके अंदर देखने को मिला था, इंदिरा साहनी जो जजमेंट था 1992 के अंदर, सो वॉज नॉट द इनफ्लेक्सिबल ओवर हियर, ठीक है, आगे जाकर तो यहां पर उसको अप्लाई किया गया था सिर्फ और सिर्फ एस सी कम्युनिटी के अंदर, एस टी कास्ट कैटेगरी के अंदर, एस सी बी सी और ओ बी सी के अंदर, ये कम्युनिटीज के अंदर यहां पर उसको डिनोट किया गया था, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है, इज इट क्लियर। सो एंड डू नॉट दी जनरल कैटेगरी, पर जनरल कैटेगरी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। अगर उसके एस सी के बारे में बात करें, शेड्यूल कास्ट के बारे में या शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में या कोई बैकवर्ड क्लासेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसके जो स्पेशल प्रोविजंस एलोकेट किए गए हैं, जो यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो है आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5 एंड 16 क्लोज 4, ठीक है, ये दे फॉर्म दिस पर्टिकुलर सेपरेट कैटेगरी, ओके, रिगार्डिंग दिस डिस्टिंग्यूज्ड फ्रॉम द जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। तो मेजॉरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, अभी बात करते हैं माइनॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो माइनॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि रिजर्वेशन वाज डिजाइन्ड वाज अ पावरफुल टूल टू एनेबल इक्वल एसेस। यहां पर एक इक्वल एसेस के तौर पर ये चीज एक पावरफुल टूल के तौर पर मानी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसका उसके इंट्रोडक्शन के लिए और एस सी कम्युनिटी, एस सी एस टी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी को यहां पर एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट जो है जस्टिस के तौर पर यहां पर बेनिफिट जो है That is an injustice over here, ठीक है। तो ये चीज के बारे में यहां पर बातचीत किया गया। EWS कोटा जो है यहां पर एक रिप्रेटिव मैकेनिज्म जो है उसको यहां पर डिनोट करता है, सो टू हैव द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द एससी एसटी ओबीसी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी कोड एंड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट हो रहा है, ऐसा माइनॉरिटी का यहां पर व्यू है, इज इट क्लियर। सो परमिटिंग द ब्रीच ऑफ द 50% सेलिंग लिमिट वुड बिकम अ गेटवे फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शंस एंड द रिजल्ट इन कंपार्टमेंटलाइजेशन। So compartmentalization that is called the division into the particular section, ठीक है। तो यहां पर minority का view हम लोगों ने देखा और majority का view भी हम लोगों ने यहां पर देखा। I hope आप लोग ये अच्छी तरीके से article समझ पा रहे हैं। तो यहां पर judgment जो निकल कर आया है वो EWS के तरफ में आया है, यानी कि EWS कोटा जो है उसको लागू करने वाले हैं, ऐसा यहां पर कहा गया है। Let us move on the next article, is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाइए न्यूज सेक्शन के अंदर। सो यहां पर आपको मैं बता दूं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है उन्होंने अपना जो चार्ज है एज अ 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर ले लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं उसका फोटो, ठीक है। इस तरीके के आर्टिकल को या इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं आर्टिकल के अंदर। हिज प्रेडिसेसर जस्टिस उदय उमेश ललित हु एडमिटेड ऑफिस ऑन डिमिटेड ऑफिस ऑन द थर्सडे वॉज प्रेजेंट एट द ओथ टेकिंग सेरेमनी। जस्टिस चंद्रचूड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव अ टर्म ऑफ 2 years एंड विल हेड इंडियाज जुडिशियरी अंटिल नवंबर 10, 2024। तो यहां पर 10 नवंबर 2024 तक जो डिवाइसर है, ठीक है, उसको यहां पर लीड करेंगे, जुडिशियरी को आगे बढ़ाएंगे, भारत की जुडिशियरी को आगे बढ़ाएंगे, और ये उनका जो टर्नओवर है वो है 2 साल के करीब का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इनके जो फादर भी थे, ये डीवाई सर के जो फादर भी थे, वो भी एक चीफ जस्टिस ही रह चुके हैं। सो अ डे बिफोर द पैरेलल 65 इयर्स ओवर हियर, ओके। यहां पर उनके फादर भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और उन्होंने बहुत टाइम तक यहां पर सर्व किया है। अगर मैं बात करूं तो February 22, 1978 से लेकर July 11, 1985 तक उनके फादर ने
यहां पर सर्व किया है, ठीक है। तो ये उसके बारे में यहां पर आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज जरूरी है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर यहां पर मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अगर कुछ अपनी इंटीग्रिटी के खिलाफ काम किया होगा तो उसके रिमूवल कैसे हो सकते हैं, तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंफॉर्मेशन है काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। गाइज इसके नोट्स बनाइएगा, इज इट क्लियर। And I want to tell you that guys, if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel. तो यहाँ पर आप लोग आते हैं पर subscribe नहीं करते हैं, तो इस channel को subscribe कीजिए और future and further updates आपको notification के माध्यम से मिल जाएगी। Is it clear? यहाँ पर ये एक judgment के तौर पर कहूँ तो यहाँ पर चंद्रासूर साहब ने जो है बहुत सारे जगह पर अच्छी तरीके से कामकाज किया है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो right to privacy, ठीक है, तो the Ayodhya land dispute के तौर पर यहाँ पर judgment के दौरान वो इंक्लूड थे एंड द राइट टू प्राइवेसी का जो यहां पर एक जजमेंट एक 9 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी, ठीक है, और इन द जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जब ही था तभी यहां पर उन्होंने इस जजमेंट को लीड किया था। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे डिवाइसर है काफी हद तक एक्सपीरियंस पर्सन माने जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर एक स्कोप ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तौर पर भी यहां पर जो अपने लीड जजमेंट थे वो दिए थे। इज इट क्लियर? सो द चीफ जस्टिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ द बेंचेस दैट डिलीवर्ड द पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन सेम सेक्स रिलेशंस आफ्टर इट पार्शियली स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है, उसके बारे में भी यहां पर उन्होंने कामकाज किया है। इज इट क्लियर? तो आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अभी आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि हमारे जो 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिनका नाम है डीवाई चंद्राचूत सर, यानी कि धनंजया यशवंत चंद्राचूत, ठीक है, जस्टिस धनंजया यशवंत चंद्राचूत, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखें। और 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, यूयू ललित सर थे, उदय उमेश ललित सर थे, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। यहां पर मैं आपको बात करूं कि इनका जो टेन्योर है वो है 2 साल के करीब करीब रहता है और 10th नवंबर 2024 को डीवाई सर जो है वो रिटायर होंगे अपनी पोजीशन से। इज इट क्लियर? अभी बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। सो व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन ओवर हियर? ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं कि एटलीस्ट 5 साल के करीब करीब यहां पर हाईकोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने काम किया होना चाहिए, या तो 2 और मोर सच कोर्ट्स के अंदर या सक्सेशन और के तौर पर उन्होंने काम किया होना चाहिए, ठीक है। या इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव ये भी है कि 10 साल, अल्टरनेटिव तो नहीं कह सकते पर उसकी क्वालिफिकेशन ही है कि 10 साल तक उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट के तौर पर एटलीस्ट काम किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। एंड बी द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का अगर ओपिनियन रहा तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के तौर पर ये सामने आ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि भाई अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI जो है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट साहब के थ्रू ही होती है, ठीक है, और अंडर द क्लोज ऑफ द क्लोज सेकेंड एंड ऑफ आर्टिकल नंबर 124 ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड्स हिज सक्सेसर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो 49th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो यूयू ललित सर थे, उदय उमेश ललित सर थे, तो वो उन्होंने रेकमेंड किया, किनको रेकमेंड किया था, डीवाई सर को रेकमेंड किया और डीवाई सर बने भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर इस पॉइंट में बात की गई है। तो यहां पर यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो
फॉरवर्ड कर रिकमेंडेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से ये एडवाइस जाती है प्रेसिडेंट सर को, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेकंड जजेस का केस चला था 1993 के अंदर, तो यहां पर एक रूल बनाया गया था कि दैट इज अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड द ऑफिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक रूल बनाया गया था। अभी यहां पर जो है कॉलेजियन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बहुत बार देखा है, सुना भी है और पढ़ा भी है ऑफलाइन एज वेल एज इन दी ऑनलाइन लेक्चर्स, इज इट क्लियर। सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन सिस्टम जो है दैट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहां पर फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस की यहां पर कंप्राइजेस जो है बैठती है कोर्ट के अंदर, ये चीज याद रखिएगा। कॉलेजियन सिस्टम, ओके चलो समझ लेते हैं कॉलेजियन सिस्टम क्या है। सो कॉलेजियन सिस्टम इज नथिंग बट दैट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जज, ओके। ये चीज क्या है कि अगर मुझे किसी की अपॉइंटमेंट करना है, किसी जज की अपॉइंटमेंट करना है या उस जज की मुझे ट्रांसफर करना है, तो कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू ही हो सकती है। सो दैट हैज इन्वॉल्व्ड थ्रू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज केसेस ओवर हियर एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से यहां पर समझना है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगर यहां पर मैं कहूं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या इस तरीके के कोई इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर कोई काम किया है, तो यहां पर किस तरीके से उसका रिमूवल हो सकता है, ठीक है। सो ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर रहा तो उसको रिमूव किया जा सकता है, एंड आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब के सामने पार्लियामेंट बैठेगी और वहां पर ये सारी की सारी चीजें डिस्कस होगी। सो दिस शुड बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। तो यहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो उसके तीन पोर्शन है, राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्लियामेंट। हम लोगों ने पॉलिटी के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है ये पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट के तौर पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है स्पेशल मेजोरिटी कि दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के हाउसेस की, ठीक है। तो यहां पर उसके बारे में ये बातचीत किया गया। सो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ दिस हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ओवर हियर, ठीक है। यहां पर ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल की अगर मैं बात करूं, सो दे प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी एज पर द आर्टिकल नंबर 124 क्लोज 4 उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर इस आर्टिकल की काफी हद तक अहमियत है, याद रख लेना। कोई भी वन लाइनर एग्जामिनेशन जो रहेगी, वन डे एग्जामिनेशन जो रहेगी, उसके अंदर यहां पर डीवाई सर का नाम पूछा जा सकता है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो गाइस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल रिगार्डिंग द करप्शन एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएस नंबर पेपर नंबर 2, आप उसको पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द करप्ट डिस्ट्रॉय द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट काउंटर्स गवर्नमेंट इन नवलखा केस। जो नवलखा केस था ना दोस्तों, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को टारगेट किया, काउंटर किया, और उन्होंने कहा कि भाई करप्शन ही हमारे देश की जड़ों को खोखला बनाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो करप्शन ही हमारे देश को है नाप डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा जो है अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है, करप्शन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो यहां पर कहा गया है कि रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड ऑन द वेडनेसडे दैट इट इज द करप्ट हु डिस्ट्रॉय द कंट्री इन अ शार्प रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट्स क्लेम द पीपल लाइक एक्टिविस्ट गौतम नवलखा हु इज चार्ज्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि इसका ये कहना था कि यहां पर ये जो भाई साहब है वो नक्सलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, नक्सलिस्ट लोगों के साथ इसका रिश्ता है, ठीक है। तो यहां पर एक करप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया है, और ये जो आइडियोलॉजी यहां पर रहेगी माओइस्ट लिंक्स के साथ उसकी लिंकअप है, अगर इस तरीके की आइडियोलॉजी रहेगी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो यहां पर ये जो है करप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है जो हमारे देश की बुनियादों को खोखला करता है, इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर एक जो बेंच बैठी थी सो दैट इज लेड बाय द जस्टिस के एम जोसेफ एंड दिस पर्सन आस्क्ड हु डिस्ट्रॉय द कंट्री, ओके। सो वॉन्ट मी टू टेल यू पीपल हु आर करप्ट, ठीक है, कौन भारत देश को डिस्ट्रॉय करता है, हु वॉन्ट मी टू टेल यू,
कोई मुझे कहना चाहेगा, ठीक है। सो पीपल हु आर करप्ट, जो लोग करप्ट है वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चीज यहां पर आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। अभी बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से कि करप्शन, ठीक है। तो दोस्तों करप्शन है तो है क्या, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक एक दूसरे की हेल्प करना, पर कभी कभी यहां पर अगर कोई इस तरीके की डिसऑनेस्ट बिहेवियर अगर सामने आती है तो उसको हम लोग करप्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर आपने पोजीशन में है और पोजीशन के गलत इस्तेमाल किया कोई और डिसऑनेस्ट बिहेव किया, सो दैट इज कॉल्ड द करप्शन, ओके। सो करप्शन इज डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन द पोजीशन ऑफ पावर, ओके। जो पावर में है, जो भी पर्सन के पास सत्ता है, जो भी पर्सन के पास पावर है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे और डिसऑनेस्ट बिहेवियर करेंगे, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द करप्शन कैटेगरी, इज इट क्लियर। सो दोज हु अब्यूज देयर पावर मे बी इंडिविजुअल्स और दे मे बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बिजनेस हो या गवर्नमेंट्स हो, अपने बिजनेस के लिए या गवर्नमेंट के लिए अगर पावर के लिए पावर के साथ अगर कुछ गलत इथिकल चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको करप्शन की कैटेगरी में लिया जाता है, इज इट क्लियर। सो करप्शन कैन अनटेल अ वैरायटी ऑफ एक्शंस ओवर ईयर, यहाँ पर ब्राइब कोई लेता है या इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट लेते हैं या डबल डीलिंग होती है या डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो करप्शन ही है, यहाँ पर ब्राइब जो है लेना और देना दोनों करप्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। यहां पर समझो कि आप कोई एक ऑफिसर है, ठीक है, आपने एक कोई एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद आप ऑफिसर बने, तो यहां पर आपके पास पावर्स है कुछ जो आपको यहां पर दिए गए हैं, उस पावर का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया और एक कुछ पैसे लेकर गलत इस्तेमाल किया या ऐसे ही गलत इस्तेमाल किया तो उसको करप्शन की कैटेगरी के अंदर डिनोट किया जाता है। यह चीज आप लोगों को यहां पर अच्छी तरीके से समझना है, इज क्लियर। सो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है 85 नंबर पर आता है, उसकी 85 नंबर की रैंक है पूरे 180 कंट्रीज के अंदर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ओके। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये चीज जो है वो याद रखनी है, भारत का रैंक याद रख लेना, वो कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि करप्शन के जो है इम्पैक्ट है तो है क्या, तो पीपल के ऊपर है, पब्लिक लाइफ के ऊपर है। यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई अगर करप्शन होता है तो यहाँ पर आपको क्वालिटी सर्विस जो है काफ़ी हद तक डिक्रीज देखने को मिल सकती है, सो दैट इज़ अ लैक ऑफ क्वालिटी इन दी सर्विसेज ऑल्सो, देर इज़ नो क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर करप्शन होगा तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर करप्शन होने की वजह से आपको कोई भी सर्विस के अंदर क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, तो अगर आप डिमांड करते हैं टू डिमांड दिस पर्टिकुलर क्वालिटी One might need to pay for it. अगर आप बाद में डिमांड करोगे तो यहाँ पर आपको वापस पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, जहाँ पर रिलीफ फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक बार बात किया था NGOs के बारे में, यहाँ पर रिलीफ फंड की जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आप लोगों को इस तरीके के डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रॉपर जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रॉपर जस्टिस मिल नहीं पाता है। एक तो पहली चीज है अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। तो यहां पर करप्शन जो है ये एक जुडिशरी सिस्टम को जो है इम्प्रॉपर जस्टिस के तौर पर आगे बढ़ाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये जो करप्शन है कभी कभार क्राइम को भी यहां पर बढ़ावा देता है, सो मे बी प्रूव्ड एज अ बेनिफिट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्राइम ऑफ दिस डाउट, ओके। तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर समझना है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स, यहां पर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं वो जो आदमी करप्ट है वो आदमी ही बाद में यहां पर जो है चीज़ों को आगे चलाता रहता है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है करप्शन की वजह से ही यहाँ पर बहुत सालों तक चली रहती है, तब तक चलती है जब तक आदमी मर ना जाए, ठीक है। सो द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स ओवर हियर, यहाँ पर हेल्थ और हाइजीन काफ़ी हद तक पुअर हो जाते हैं, कैसे समझते हैं, वन कैन नोटिस मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग द पीपल, ठीक है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि पानी के अंदर मिलावट, ठीक है, रोड के अंदर मिलावट, फूड की रेन के अंदर मिलावट, यहाँ पर जब भी ग्रेन की सप्लाई होती है उसके अंदर मिलावट, दूध के अंदर मिलावट, एडल्ट्रेशन मिल्क एडल्ट्रेशन के अंदर मिलावट, तो यहाँ पर जब भी इन सारी चीज़ों के अंदर आप मिलावट करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक करप्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर अगर देखा जाए
तो मोरबी ब्रिज की बात करूं तो यहां पर मोरबी ब्रिज के अंदर भी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक एंगल देखने को मिला था कि क्या ऐसा पुल जो है जो अच्छी तरीके से बना नहीं है, ठीक है, क्या यहां पर सेफ्टी है। तो ब्रिज जो है, ब्रिज का काम है लोगों को संभालना, यहां पर उसके ऊपर जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी लोग चल रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से वो चल सके, ठीक है, अच्छी तरीके से वो जा सके, तो यहां पर एक जगह से दूसरी जगह वो ब्रिज के माध्यम से पहुंच सके, तो ब्रिज जो है उसका ये काम है। पर यहां पर ब्रिज जो है वो टूट जाए तो ये एंगल भी देखने को मिल सकता है कि क्या वहां के जो ऑफिसर्स थे, जी क्या वहां के जो अथॉरिटीज है, उन्होंने यहां पर करप्शन किया था या नहीं किया था, तो ये एक सवाल भी निकल कर आता है, तो इस एंगल से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑन इकोनॉमी, अ डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी तक डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि जब भी करप्शन गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर होता है तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो गोइंग बैक फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, इज क्लियर, सो लीड टू मेनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गोइंग बैक फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज से ये सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पहले आए थे वो सारे के सारे चले जा सकते हैं, ग्रोथ के अंदर डिले हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर डिले, इंडस्ट्री स्टार्ट होने में डिले और उसके हिसाब से ग्रोथ होने में भी डिले हो सकता है, इज इट क्लियर। कभी कभार यहाँ पर जो है कुछ परमिशन की वजह चाहिए होती है कुछ चीज़ें डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर करप्शन की वजह से यहाँ पर आप परमिशन आपको मिल नहीं पाती है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। डेवलपमेंट की कमी, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आपको कोई चेंज करना है, यहाँ पर प्लान्स जो है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको परमिशन लगती है और बाद में परमिशन की सहमति या आपको परमिशन ना मिलने की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट रुक सकता है। सो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, इज क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखे, यहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं होंगे, वाटर नहीं होंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, सो कंपनीज डू नॉट विश टू स्टार्ट अप दैट, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ऐसा चाहेगी नहीं कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और पर डेवलपमेंट करो, इज इट क्लियर। सो दैट इज अ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, वो काफी तक डिक्रीज हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा। सो दैट इज वी कैन से दैट हिंडर्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके, ये चीज यहां पर आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं कि कौन से इनिशिएटिव जो है भारत सरकार ने लिए, इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं करप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो करप्शन के अगेंस्ट में, तो इंडियन पिनल कोड 1860, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, द कंपनीज एक्ट 2013, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये सारे के सारे इंडियन इनिशिएटिव्स हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करने में आगे आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो करप्शन का आप लोग, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से आर्टिकल समझ ही गए होंगे। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल गाइज, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पश्मीना शॉल्स हैव संतोष गार्ड हेयर से कस्टम्स ऑफिशियल्स ऑल फ्लफ काउंटर ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस, ओके। तो यहां पर आर्टिकल एक्चुअली है तो है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लीजिए कि यहां पर जो है यूनिवर्सिटी ट्रेडर्स ने यहां पर कर कहा है कि जो पश्मीना के अंदर जो एक कंप्लेंट डाली है कि यहां पर जो उसकी टेस्टिंग मेथड जो है काफी तक ओल्ड है, काफी तक ट्रेडिशनल मेथड है, हो चुकी है, ठीक है, वहां पर अभी तक कोई एनहांसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। सो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्ट होता है, सो दैट इज बीइंग फ्लैग्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। तो यहाँ पर कस्टम अथॉरिटीज ने इस चीज़ को रोक कर रखा है। क्यों रोक कर रखा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस शॉल के अंदर कभी कभार क्या होता है कि कई कई चीज़ें जो है यूज़ होती है जो गैरकानूनी है, इल्लीगल होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं संतोष गार्ड, हाँ ये आप पोर्शन देखिए, संतोष गार्ड हेयर विच is obtained from endangered Tibetan loops and antelopes, ठीक है। तो यहाँ पर जो Tibetan antelopes जो है, ये एक ब्लैक बग जैसा, हिरन जैसा ये एक जानवर है, उसके हेयर का इस सॉल के अंदर यूज किया जाता है और ये जो चीज है वो काफी तक गैर कानूनी है। हेयर कहाँ से आया? उसको मारने के बाद ही आता है, ठीक है। तो ये चीज जो है गैर कानूनी है जो इस सॉल के अंदर यूज की जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर आर्टिशियंस जो है और जो ट्रेडर्स है काफी तक परेशान है, इसका करे तो करे क्या, इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं
इसका जो एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, सो पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीड ऑफ माउंटेन गॉड्स, माउंटेन गॉड जिसका नाम है कापरा हेरिकस हेरिकस, ठीक है, कापरा हेरिकस। ये चीज़ याद रखना, हम लोग जब इसका स्टेटिक पढ़ेंगे तभी इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो उसकी जो एक तिब्बत के रीजन में या तो लद्दाख के पास, राइट, लद्दाख के पास ये आपको गॉड देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप लोगों के यहाँ यहाँ पर याद रखनी है। और पाशिमा जो है, ठीक है, सो मैन्युफैक्चर ऑफ द पाशिमा यहाँ पर वो भी काफ़ी हद तक जो है टेंशन की स्थिति में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उनका जो दूसरा नाम है दैट इज़ ऑल्सो कॉली नॉन लोकली एज अ चीरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिब्बतियन हम लोगों ने तिब्बतियन या पर्शियन गॉड के बारे में बात की, उनका जो एक्चुअली नाम है वो क्या है रखा है, चिरू, इज इट क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर जो है पाशिमा की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है करीब करीब कितनी है, 750 करोड़ के आसपास है। सो 6 और 7 ईयर्स एज टू अबाउट 100 करोड़ टू अ डे टूडे, इज इट क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि एक्सपोर्ट इस चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं कि वॉट इज अ पर्टिकुलर वन। ओके, तो ये है पाशमीना शॉल जो जम्मू कश्मीर के इलाके में पाई जाती है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी पाश्मीना के बारे में जान लेते हैं। सो पाश्मीना का जो वर्ड है वो कहां से आया, पर्शियन वर्ड है। ठीक है, पाश्मा इट स्टैंड्स फॉर द वर्ड पाश्मा व्हिच मींस या इट स्टैंड्स फॉर द सॉफ्ट गोल्ड। ओके, सो पाश्मीना कम्स फ्रॉम एन एनिमल फाइबर जैसे कि कश्मीरी एंड डिराइव फ्रॉम द चंगथंगी गोट ऑफ द लद्दाख। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है कि उसके फाइबर से ये चीज बनाई जाती है या उसके अंदर आप लोगों को ये इसके पोर्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, सो इट इज डेंजरस टू द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर ठंड काफी ज्यादा होती है। सो दैट इज़ द इंडिजीनियस टू द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो यहाँ पर लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है, इसकी वजह से इस शॉल का सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, अगर उसके फीचर के बारे में मैं बात करूं, सो दैट इट इज ऑल्सो नॉन फॉर इज द वार्म्थ, लाइट वेट के लिए जानी जाती है, सॉफ्टनेस के लिए जानी जाती है, गर्माहट के लिए जानी जाती है। तो ये सारी की सारी उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और ये जो है एडिशनली कैरेक्टरिस्टिक उसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। पाश्मीना जो है उसका यहाँ पर नाम अलोकेट किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर फॉर बींग दी कॉस्टलीएस्ट, हाँ, कॉस्टलीएस्ट क्लोथ इन दिस पर्टिकुलर। भारत देश के अंदर नहीं पर पूरे विश्व के अंदर सबसे महंगा कपड़ा जो है वो पाश्मीना शॉल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने जाइए वहां पर अगर आप कैपेबल हैं तो आप इस चीज को परचेज कर वहां के लोगों को मोटिवेट कीजिए ये सारी चीजों को बनाने के लिए, और अल्टीमेटली आप जान तो सकते ही है ना कि ये चीज है तो है क्या। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पाश्मीना वुल जो है, सो दैट इज अ फाइनेस्ट वर्जन ऑफ द कश्मीरी। ओके, तो यहां पर ये जो है फाइनेस्ट एक माना जा सकता वर्जन माना जा सकता है कश्मीरी का, एंड दैट इज वेरी वेरी थिनर दैट ह्यूमन हेयर। ओके, ह्यूमन हेयर के हिसाब से आप लोगों को उसको समझ सकते हैं। सो एंड हाईली प्राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्राइज होने की वजह भी यही है कि पाश्मीना शॉल के अंदर यहां पर ऐसा कहा गया है कि जो चीरू है उसके या जो पाश्मीना गॉड जो है जो तिब्बत या लद्दाख के इलाके में रहती है उसके बालों से ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये उसकी फीचर्स थे। ठीक है, यूसेस की अगर मैं बात करूँ तो हैंडमेड आइटम्स के तौर पर या ब्यूटीफुल शॉल के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कश्मीरी शॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है शॉल्स जो है दो तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, टू टेक्निक्स, एक तो लूम वोवन और कानी शॉल्स। ठीक है, एंड द नीडल एम्ब्रॉयडरीड और सोजनी शॉल्स। ठीक है, तो ये शॉल याद रखिएगा, तीन तरीके की जो बेसिक टाइप्स आप लोगों को फैब्रिक के अंदर देखने को मिल सकती है वो है शाहतूश, पाश्मीना एंड रफाल। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर जो रफाल है, सो दैट इज अ मरीनो वुल टॉप्स ओवर हियर। ठीक है, सो स्पून आउट ऑफ द मरीनो वुल टॉप्स एंड पॉपुलरली पॉपुलर
सॉरी एंड पॉपुलर टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉल ओवर हियर, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं ये गॉड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप पश्मीना गॉड जो है लेह लद्दाख के रीजन के अंदर, जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, अभी यहाँ पर जो है ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो है चीरू का, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द तिबेटियन एंटेलॉप। ओके यहाँ पर अगर मैं इस चीरू के बारे में बात करूँ तो करीब करीब यहाँ पर इट लाइव्स एट द 3,250 to 5,500 के करीब करीब उसकी एलिवेशन या एल्टीट्यूड के पास ये देखने को मिल सकते हैं। एंड द माउंटेन वैली इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्पाइन। ओके तो ये चीज आप लोगों को समझना है। यहां पर लो वेजिटेशन की वजह से यहां पर जो है पास्चू डेजर्ट स्टीपी एंड पास्चू जो है डिस्टिंग्विश किए गए हैं। दिस एंटेलॉप इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू दी गॉड फैमिली, ठीक है, क्लोज टू दी गॉड फैमिली से उसको बिलोंग किया जा सकता है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। प्रिडेक्टर सच एज अ वुल्फ लिनक्स स्नो लेपर्ड एंड रेड फॉक्स आर दी प्रिडेटर्स ऑफ चेरूज एंड देयर यंग काउस। ओके तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ओके प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो नियर थ्रेटन के तौर पर ये चीज आ गई है IUCN के हिसाब से, ठीक है, उसकी रेड लिस्ट के हिसाब से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगर हम कहें तो यहाँ पर शेड्यूल 1 जो है उसके बारे में बातचीत करता है। उसके बाद यहाँ पर प्राइम हैबिटेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और छंगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वन लाइनर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से रीजन के अंदर लोकेटेड है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग पढ़ कर ही रखो। ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट इन द 18 इयर्स फाइंड्स स्टडी। तो 18 साल के करीब करीब यहां पर जो हम लोगों ने जमीन से पानी निकाला है वो 18 साल की अगर हम लोग स्टडी करें उसकी कंपैरिजन करें तो 18 साल के अंदर हम लोगों ने सबसे ज्यादा कम पानी निकाला है अभी के टाइम, ठीक है। अब इस एक्सट्रैक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया शो एन 18 ईयर डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इट स्टैंड्स फॉर द CGWB, इज इट क्लियर। सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मेड द पब्लिक ओन ओवर हियर। ओके तो यहाँ पर टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर जो था वो उसकी अगर मैं पूरे विश्व कंट्री की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ, सो 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर था, इट स्टैंड फॉर द BCM, ठीक है। तभी हम लोगों ने जो निकाला था एनुअली ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन किया था उसका वो करीब करीब था 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद 2022 की सबकी जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें के बारे में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2020 की जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो अवेबिलिटी थी वो 436 बिलियन क्यूबिक मीटर की थी, जहाँ पर से हम लोगों ने ज़मीन से पानी निकाला था 245 बिलियन क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने रिचार्ज वोज 432 BCM, उसके बाद उसमें से भी हम लोगों ने 249 BCM जो है उनमें से हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। सो 2022 का जब भी असेसमेंट हुआ था तभी हम लोगों ने 2004 के अंदर सबसे कम जो है वो पानी खींचा था ज़मीन के अंदर से, ठीक है, टू बी 231 BCM। अगर मैं यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं कह सकूँगा कि ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हमें यहाँ पर जब भी सूखा पड़ा होता है तो यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर कि अगर मैं कहें तो कुछ भी चीजें करने के लिए ग्राउंड वाटर से पानी निकालने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं लगती, ठीक है। यहां पर कोई ऐसे कोई क्लियरेंस है नहीं कि आपको कोई परमिशन लेनी पड़े। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर मुझे पानी का कोई कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो पानी का कनेक्शन के लिए पहले सबसे मुझे अप्लाई करना होगा, परमिशन लेनी होगी कि यहां पर मैं पानी का कनेक्शन लूं या नहीं लूं। तो यहां पर ग्राउंड वाटर में तो यह चीज है कि जहां पर पानी आपको लगे कि यहां पर पानी हो सकता है वहां पर आपने बोर डाल दिया, बोर का यहां पर जगह बनाया और उसके
अंदर पंप डाल दिया और पानी खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परमिशन की जरूरत है नहीं, तो इसकी वजह से भी आए दिन जमीन के अंदर से सबसे ज्यादा पानी निकाला जाता है। पर अभी जो डेटा आया है कि 18 साल के अंदर अगर देखा जाए तो इस बार जो है सबसे कम पानी यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में ही, ठीक है। चलिए, सो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप उसका याद रखिए फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसकी जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2018 के दौरान, तो यहाँ पर भारत की जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर जो है पूरे विश्व में से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, और ये हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर देखा था ना, हाँ यहां पर देखिए, यस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज स्टैंड्स फॉर दी CGWB, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसके हिसाब से अगर कहें तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो जो मात्रा है वो कितनी है, 230 बिलियन क्यूबिक मीटर की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर हर साल इरीगेशन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर यूज़ किया जाता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर भी एक काफ़ी तक चैलेंजिंग पॉइंट माना जा सकता है, ओके। आगे बात करते हैं, the total estimated groundwater depletion in India in the range of the 122 to 199 billion meter cube, is it clear? तो groundwater जो depletion हो रहा है हमारे भारत के अंदर उसकी जो range है 122 से लेकर 199 billion meter cube की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। construction of irrigation irrigation की वजह से, यानी कि irrigation का जब भी construction होता है तो यहाँ पर आपको कोई इसकी clearance लेने की जरूरत नहीं है या कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना है, ओके। तो यहां पर बहुत सारी अगर मैं कहूं तो भारत के अंदर हर दिन यहां पर जो है 700 वेल्स यानी कि कुएं बनाए जाते हैं, ठीक है, 700 के करीब करीब हर दिन जो है भारत के अंदर कुएं बनाए जाते हैं, इवन मोर एज एम्बेडेड वेयर दे रन ड्राई, उसके बाद वो लोग सूख जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। अभी यहाँ पर बात करेंगे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हुआ तो हुआ कैसे, तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पानी, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चर नीड्स फुलफिल करने के लिए चीज़ों को पानी पहुँचाने के लिए यूज़ होता है, तो पानी चाहिए तो ग्राउंड वाटर से निकाल लिया। यहाँ पर कई ऐसी जो लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी होने की वजह से यहाँ पर जो है रेनफॉल जो है नहीं हो पाता है, ठीक है, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के अंदर, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी तक बढ़ चुका, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो बढ़ चुका, पर एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इंग्रेडिएंट जो चाहिए, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जब भी ये सारी चीज़ें हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा और प्रोडक्ट भी बढ़ी, तो वो जो इंग्रेडिएंट चाहिए जिसके अंदर पानी सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ और सबसे ज़्यादा भी हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर सब्सिडीज जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दी गई है जिसके अंदर हाई MSP और फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के तौर पर चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। यहाँ पर साथ ही साथ ये एक ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी अफेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल इन्फ्लुएंट, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्री, तो भाई यहाँ पर इंडस्ट्री से जो जो यहाँ पर केमिकल्स आते हैं वो लोग नदी के अंदर डाल देते हैं और उसकी वजह से या ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यहाँ पर डाला तो उसको हार्म हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। और आए दिन यहाँ पर जो है दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है नेचर रिसोर्सेज जो है जल्द से जल्द खत्म हो सकते हैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यहाँ पर मुहिम चलाई है। सो स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ओके। अभी हम लोग बात करें तो जल शक्ति अभियान यहाँ पर 2019 के अंदर चलाया था जिसके अंदर यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई, यहाँ पर ग्राउंड वाटर की कंडीशन को भी यहाँ पर सुधारने की बात की गई, ऑलमोस्ट 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है।
आगे बात करते हैं मास्टर प्लान्स के बारे में। सो मास्टर प्लान फॉर द आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020, यहाँ पर ऐसा कहा गया कि हम लोग ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं 2020 के अंदर का, कि यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे और 185 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है उसको हम लोग अच्छी तरीके से हार्नेस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। अगर मैं और ज़्यादा मैं बारे में बातचीत करूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020, ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लॉन्च किया था। सुदई हैज ऑल्सो लॉन्च दिस कैच द रेन कैंपेन टू प्रमोट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर कैंपेन जो है उसको लॉन्च करने की बातचीत की गई है। ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की अगर हम लोग देखें बात करें तो यहाँ पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो एडवोकेट पॉलिसीज जो है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स अवेबिलिटी ऑल्सो, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई कि थ्रू वाटर थ्रू डायरेक्ट यूज ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, जो कई कई लोग तो जो घर के अंदर पानी आता है वो भी बारिश का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो दैट इज अबाउट द नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ओके। आई होप आप लोग ये सेशन अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे या कर पा रहे हैं या आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड UPSC एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी, दिस इज यशंपट एडुकेटर इज ओवर हियर, ओके, एंड यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेज ओवर हियर एंड यू कैन प्रिपेयर विथ अस एंड यू कैन अचीव द गोल विथ अस। सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज FCAT NDA INET UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एयरफोर्स ग्रुप XNY एंड टेरिटोरियल आर्मी, एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक द IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB, SBI क्लर्क, SBI PO, RBI ग्रेड B, सो डोंट वरी, बैचेस लॉन्च बाय द यशंपट एडुकेटर, एंड सो व्हाट आर वेटिंग फॉर गाइस, जस्ट कॉल ऑन 9773230619, एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी इन दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू कैन जस्ट फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम, इन द यूट्यूब एंड इन द फेसबुक ऑल्सो, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ओवर हियर, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर channel, so guys please subscribe our channel in the YouTube, and if you feel that this kind of the particular session is very very much helpful in your preparation, so just share this particular videos with your friends, family members, colleagues and elder and brother sister who are preparing for this kind of the examinations, okay, so milte hain next lecture ke duran, tab tak ke liye padhte rahiye, jai hind jai bharat, thank you and bye bye.